सूफी फकीर फरीद से एक आदमी ने पूछा, ईश्वर से कैसे मिलूं? फरीद ने कहा, आ मौका लगा तो मिला दूं। वह आदमी थोड़ा डरा भी, इतनी तैयारी करके आया भी ना था, जिज्ञासा ही करने आया था। दार्शनिक जिज्ञासा थी और यह सज्जन मिलाने ही चले, मगर अब नहीं भी ना कर सका। अब इज्जत का भी सवाल था, थोड़ा झिझकने भी लगा। कहा, कल आऊंगा। फरीद ने कहा, कल का क्या भरोसा, मैं रहूं ना रहूं, और कल पर क्यों टालना? जब आज सवाल पूछा है तो आज ही उत्तर होगा, चल मेरे साथ। इस आदमी ने कहा, कहीं जाने की जरूरत क्या, यहीं बैठकर इसी झाड़ के नीचे उत्तर दे दे। यह मैं उत्तर देता नहीं, मैं तो नदी पर ही उत्तर देता हूँ। डरते डरते वह आदमी फरीद के साथ नदी पर गया। फरीद ने कहा, उतार कपड़े। उसने कहा, कपड़े पहने उत्तर नहीं देंगे? कहा कि नहीं, पहले डुबकी मार, स्नान कर, पवित्र हो ले, बस मौका भर मिल जाए मुझे एक ऐसा उत्तर दूंगा कि सदा के लिए, बस फिर कभी नहीं पूछेगा। आदमी डरा तो बहुत, लेकिन अब भाग नहीं सकता। अब यह आदमी सामने खड़ा है, यह भागने भी नहीं देगा, इतना आसान दिखता भी नहीं। और अब यह इसी में सार है, हुज्जत करने में कोई सार भी नहीं, इसी में सार है। और यह मस्त ताकतवर फकीर था फरीद, कि अगर भागा भागी की तो पकड़कर फेंकेगा पानी में और उसमें हाथ पैर टूट जाए। चुपचाप कपड़े उतार कर उस आदमी ने डुबकी मारी। जैसे ही डुबकी मारी, फरीद उसके ऊपर सवार हो गया और उसको पानी में दबा दिया और दबा जाए और वह तड़फे मछली की तरह और फरीद दबा जाए। सोचा होगा उस आदमी ने गए काम से, चले थे राम की तलाश में या अपनी जिंदगी गई, किस असमय में इस आदमी से सवाल पूछ लिया। ये सब सवाल उठे होंगे, एक क्षण में दौड़ गई होगी बातें कि अब बोलकर किसी से न पूछूंगा, सब सोचा होगा। मगर अभी तो सवाल यह है कि कैसे निकलूं बाहर, कैसे इससे पिंड छूटे। और यह आदमी मजबूत है और दबाए जा रहा है, लेकिन जब मौत की घड़ी आ जाए तो कमजोर आदमी भी बड़ा ताकतवर हो जाता है, सारी शक्ति उठाती है चुनौती। उसने भी सारी ताकत लगा दी, था तो दुबला पतला जैसे कि दार्शनिक होते हैं आमतौर से, था तो दुबला पतला, लेकिन उसने भी सारी ताकत लगा दी, इतनी ताकत की उसने इस मस्त ताकतवर फकीर को फेंक दिया और निकल आया पानी के बाहर। हाँफ रहा था, आंखें लाल हो गई थी। फरीद ने पूछा कि एक बात पूछूं? उसने कहा कि अब बिल्कुल न बात हमें पूछनी, हमसे हमें बात ही नहीं करनी है। उसने कहा कि अब बिल्कुल बात हमें पूछनी, आपसे हमें बात ही नहीं करनी है। नहीं, उसने कहा कि हम कोई उत्तर देंगे नहीं, यह उत्तर था। कहा कि एक सिर्फ सवाल पूछना है कि जब मैंने तुझे दबा लिया पानी में तो क्या हुआ? उसने कहा कि क्या होना था, जान निकलने लगी, फिर भी विस्तार से बता। फरीद ने कहा, अब विस्तार से? उसने कहा, क्या बताना, पहले यह कि मारे लिए बहुत विचार उठे मन में कि कैसे बचूं, कैसे निकलूं, फिर धीरे धीरे विचार भी खो गए, फिर तो एक ही सवाल रहा कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं, फिर तो वह भी खो गया, फिर तो भाव ही रह गया बाहर निकलने का विचार भी नहीं, बस। फरीद ने कहा, तू समझ गया, आदमी होशियार है, तू उत्तर पा गया। जिस दिन परमात्मा को पाने का भाव ही रह जाएगा, शब्द नहीं विचार नहीं, उस दिन मिल जाएगा। और अगर
भूल जाए कभी भी फिर आ जाना, मगर उत्तर मैं हमेशा नदी में देता हूँ। ऐसे कमी लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, जो एक दफा आता है दोबारा नहीं आता। या तो उत्तर मिल ही जाता है उसको, या फिर वह उत्तर की तलाशी छोड़ देता है। तू जब भी चाहे हम हाजिर हैं।